हेलो आईसीसी क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशंस 2023 के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक कमेंट्स आया था बच्चे का कि सर इंग्लिश कंपलसरी क्या बेस्ट फाइव के लिए। स्टूडेंट, बेस्ट फाइव कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसी से हमारे परसेंटेज बढ़ते हैं। आईसीएससी की रैंकिंग में अगर आप पहुंचना चाहते हो तो स्टूडेंट बेस्ट फाइव कैलकुलेशन ही आईसीसी अपनी रैंकिंग के लिए चेक करता है। क्योंकि स्टूडेंट देखा होगा क्लास 10th के लिए कि आप सीबीएसई के भी पांच सब्जेक्ट रहते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट वो लेते हैं तो उसमें से छह में से वो पांच सब्जेक्ट काउंट करते हैं, वो भी बेस्ट फाइव के लिए। सेम ऐसे आईसीएससी में बेस्ट फाइव कैलकुलेट होता है। तो स्टूडेंट बेस्ट फाइव में ग्रुप थ्री को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ग्रुप थ्री में आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं जिसमें 100 आउट ऑफ 100 तक आने के चांसेस रहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद बेस्ट फाइव में जो ग्रुप वन के आपके तीन सब्जेक्ट हैं, मतलब इंग्लिश वन और इंग्लिश टू जो आपका एक सब्जेक्ट कहलाएगा, उसमें वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब उसमें क्या होता है स्टूडेंट, काफ़ी बच्चे तो इंग्लिश में मतलब उसके मार्क्स बच्चों के 90 और 91, 92, 93 यहाँ तक पहुँच जाते हैं, पर 95 एबो मार्क्स नहीं आ पाते हैं, जिससे क्या वो रैंकिंग जो हमें चाहिए मतलब 497, 498 और 499 मार्क्स लाने के लिए, जिससे क्या हम बोर्ड के टॉपर लिस्ट में आ जाए, वहाँ पहुँचने के लिए उसमें 5 से 6 नंबर कम हो जाते हैं जो कि आपको कवर करने पड़ेंगे बाकी सब्जेक्ट से। किससे? बाकी चार सब्जेक्ट से। अगर आप 497 तक भी ले आते हैं तो भी आपको थर्ड ग्रेड मिल जाएगा आईसीएससी के टॉपर लिस्ट में। तो स्टूडेंट्स, वहां तक पहुंचने के लिए देखिए इंग्लिश आपका एक कंपलसरी हो गया। उसके बाद हिंदी कैसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। आपने देखे होंगे स्कूल के हर साल के पेपर में हिंदी में कम से कम मैक्सिमम बच्चे आउट ऑफ मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपका हिंदी का 99 और 100 पहुंचना सबसे आसान रहता है स्टूडेंट। सेकंड आपका ग्रुप थ्री, तो ये दो पेपर बहुत ईजी है। थर्ड, अगर आप स्कॉलर हैं और इतने परसेंटेज सोच रहे हैं तो मैथमेटिक्स आपका वीक नहीं रहेगा, मैथमेटिक्स 100% आपका स्कॉलर में रहेगा स्टूडेंट। तो मैथमेटिक्स ये तीन सब्जेक्ट में अगर आपने 99 और 100 स्कोर कर लिए तो आपको स्टूडेंट्स टॉपर की रैंकिंग में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके जो इंग्लिश की अगर वीकनेस है तो वो वीकनेस आपके कवर करेंगे ये तीन सब्जेक्ट। और फिर रह गया हिस्ट्री और साथ में ज्योग्राफी। हिस्ट्री में स्टूडेंट काफ़ी दिन की हॉलीडेज है और फिर उसके बाद मैथ्स में भी 4 दिन की हॉलीडेज है। तो स्टूडेंट हॉलीडे के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो में बना सकता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी उस तरह की बनानी है कि जिससे कि आप प्लान कर सको कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके उस हॉलीडे के बीच में, क्योंकि जितने भी आपके गैप हैं उनका प्लानिंग आपको करना है स्टूडेंट्स। और ये ध्यान रखना, टॉपर बनने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड योर स्टडी स्टूडेंट्स। टारगेट आप पर डे का कीजिए, आपको स्टडी कितनी करनी है वो टारगेट अचीव करते जाइए, परसेंटेज में आपको बेस्ट देना है, बस ये सोच के चलिए स्टूडेंट्स। बेस्ट करने के लिए बेस्ट आपको तरीके से सोचना पड़ेगा और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। 100% मेरे चैनल से आपको हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा मैं एमसीक्यू वगैरह प्रोवाइड करूँगा। एमसीक्यू के लिए भी कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं, 2 सेंटीमीटर ग्राफ के लिए भी क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स, सबके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच चैनल बनाने के लिए। वीडियो